बात रखी थी कि हम प्रस्ताव पास करें, हमने सदन में रखा था कि हम आपकी पूरी मदद करने को तैयार हैं, पर मैं जाना चाहता हूं डेढ़ साल पहले जब उनकी सरकार थी, डेढ़ साल से ज्यादा इनकी जिम्मेदारी थी पंचायत चुनाव करवाने, हमने रोटेशन करवा दिया था, हमने परिसमन करा दिया था, आप उसमें संशोधन कर लेते हैं अगर आप राजी नहीं थे। डेढ़ साल आपने नहीं करवाया, कहते कोविड था, 28 उपचुनाव हो गए और उपचुनाव हो गए, पर पंचायती चुनाव ये नहीं करवा रहे, तब बिना रोटेशन के और बिना परिसमन के इन्होंने कहा आप चुनाव कराएंगे और बिना आरक्षण के। हम कोर्ट गए रोटेशन के इशू पर, ये उलझाना चाहते हैं कि इनके पास कहने को कुछ नहीं, झूठ बोलने में तो माहिर है। आज जो हम सुप्रीम कोर्ट गए वो पिटीशन खुली है, इंटरनेट पर है, जो प्रोसीडिंग्स है इंटरनेट पर है, पूरी चर्चा रोटेशन पर हुई। और ये समझने की आवश्यकता है कि जो 7 साल इंतजार करी कि रोटेशन होगा, मेरा नंबर भी आएगा, गांव में पंच संपर्क बन गए, उसका जो अधिकार था छिन गया। 7 साल वो इंतजार करता, 5 साल और अब इंतजार करेगा क्योंकि कोई रोटेशन नहीं। परिसमन से लोग दुखी कि उनका गांव वहां है और पंचायत इतनी दूर है, तो ये बात इनके पास डेढ़ साल थे। हम कोर्ट गए रोटेशन के मामले कि सबके साथ न्याय है, रोटेशन में कोई आरक्षण नहीं चेंज होता, पर कोर्ट मुड़ गई दूसरी तरफ। इनके वकील, शासकीय वकील, चुनाव आयोग के वकील वहां उपस्थित थे, प्रोसीडिंग्स हैं, इंटरनेट पर है, बहस नहीं करी। जब हमने परसों मामला उठाया, ये उलझाने के लिए, ध्यान मोड़ने के लिए, एक आरोप प्रत्यारोप का माहौल बनाने के लिए, बात स्पष्ट थी कि आप क्या चुनाव बिना आरक्षण कराएंगे। मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया पर 48 घंटे पहले बयान दिया कि बिना आरक्षण के कोई चुनाव नहीं, ये तो प्रोसीडिंग्स का मामला है। तो हमने पूछा आज क्या कर रहे हैं, इसमें आपने क्या पहल करी, हम कोर्ट गए हैं, ये कोर्ट जाए, मंदिर जाए, अस्पताल जाए, हमें उससे क्या मतलब, जब आपने ये बयान दिया आप करिए अब तक जो आपका बयान था, जो आपने सदन को आश्वासन दिया था, पूरे प्रदेश को आश्वासन दिया था, ये हमारी मांग थी। ये प्रस्ताव परसों मास के लिए, पर आज जिम्मेदारी सरकार की है कि आज जो सदन ने प्रस्ताव पास किया है ये कहीं कोर्ट में